प्रणाम। देखते ही देखते इस ऑडियो सीरीज को आज 19 दिन खत्म हुए और आज का हमारा ये 18वां ऑडियो। हमारा टारगेट था इस लॉकडाउन के दरमियान 20 ऑडियो बनाने के। अब सिर्फ दो ही ऑडियोज बाकी है और आगे के दो ऑडियोज हम आप सभी के अनुभव शेयर करना चाहते हैं। इसीलिए आज का वीडियो ऑडियो शुरू करो उसके पहले आप सभी से अनुरोध है, इन 18 दिनों में आपको इस ऑडियो में कौन सी बात दिल को छू गई, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात सुन के आपका आचरण बढ़ा, कौन सी बात आपको लगी कि हाँ मैं ऐसा सोचता था पर ये ऑडियो सुन के सही बात मुझे समझ में आई। ऐसे कोई भी आपके अनुभव हो, आपको ये ऑडियो जिसके पास से भी मिल रहा हो उससे आप आपके अनुभव मैसेज द्वारा या ऑडियो मैसेज द्वारा आप शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रभावना के आप भी दलाल बनेंगे, आपको भी पुण्य का भाता मिलेगा। कल हमने 12 भावनाएं पूर्ण की। 12वीं भावना कल बोधि दुर्लभ भावना भी हमने देखी। बोधि यानी सम्यक्त्व, जो मिलना खरेखर दुर्लभ है पर दुष्कर नहीं है। सम्यक्त्व और मनुष्य भाव जो हमें कई साधना के बाद मिला है। शास्त्र में मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है उसके 10 दृष्टांत बताए गए हैं। उसमें से एक दृष्टांत जो हमने हमारे बेन के पास से सीखे थे वे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बड़े बड़े दो समुद्र ले लीजिए, ये सिर्फ पैसिफिक या अटलांटिक महासागर की बात नहीं कर रही हूँ, उससे भी बड़े बड़े लवण समुद्र, पुष्कर द्वीप समुद्र, ऐसे बड़े दो समुद्र लिए हों। उसमें एक समंदर में पैन का ढक्कन और दूसरे समंदर में सिर्फ पैन को डाले तो क्या ये दोनों कभी मिल पाएंगे? पर शास्त्रकार बताते हैं कि उसकी मिलने की भी चांसेस है एक जगह पे, पर ये मनुष्य भाव मिलना उसके सामने अत्यंत दुष्कर है। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है। इस मनुष्य भाव में हमें आर्य कुल मिला, जैन धर्म मिला। जैन धर्म में भी आज की परिस्थिति देख के ऐसा कह सकती हूँ कि हमें कल्याण मित्र मिले जो हमें जैन धर्म की बातों से अवगत कराते हैं। हमें देव गुरु के सानिध्य मिला जो हमें हमारी आत्मा को सुरक्षित रखने में मदद कर रहे हैं। ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ जो हमें सम्यक्त्व प्रदान करता है। सम्यक्त्व यानी प्रभु के वचनों पे श्रद्धा। ऐसे शास्त्र में कई उदाहरण आते हैं, आज उसमें से जिसका सम्यक्त्व दृढ़ था ऐसी मैणा और श्रीपाल के उदाहरण तो हमने देखे ही है। आज बात करनी है सुलसा श्राविका की। उनके पति का नाम था नागरथ। वे श्रेणिक महाराजा के लश्कर में मुख्य रथिक थे। पहले तो उन्हें कोई संतान होते नहीं थे, पर धर्म आराधना के प्रभाव से प्रसन्न हुए देव ने उनको एक साथ 32 पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। ये पुत्र पढ़ के आगे श्रेणिक महाराजा के अंगरक्षक हुए और श्रेणिक महाराजा जब सुज्येष्ठा का हरण करने गए थे तभी उनके 32 से 32 पुत्र ने वीरता के साथ लड़ाई की और वे मृत्यु पा गए। अपने 32 पुत्रों को एक साथ मृत्यु होते देख भव स्थिति का विचार करके सुलसा ने कोई शोक नहीं किया और पति को भी शोकातुर होने नहीं दिया। सुलसा यानी परमात्मा महावीर की परम श्राविका थी। एक समय था कि अंबर श्रावक के साथ परमात्मा महावीर ने कहलाया कि आप सुलसा श्राविका को मेरा धर्मलाभ कहना। ये अंबर श्रावक भी विचार में आ गया, ये ऐसी कैसी श्राविका होगी जिन्होंने खुद भगवान ने जिनको धर्मलाभ कहलाने को कहा है। और अंबर ने अपनी इंद्रजालिक विद्या से उनकी परीक्षा करने सोचा। नगर के बाहर अलग अलग रूप, शंकर का रूप हो, अलग अलग देवों का रूप हो, ये सारे रूप करके पूरे गांव वासियों को उसने लोलुप किया कि खुद ब्रह्मा इस पृथ्वी पे आए, खुद महेश इस पृथ्वी पे आए, पूरा गांव देखने आ गया। यहाँ तक कि उसने परमात्मा का भी रूप धारण किया और पूरा गांव देखने आया। पर सुलसा का सम्यक्त्व टका हुआ था। सुलसा को यकीनन था
ये कोई मायाजाल होगी, पर इस तरह कोई परमात्मा जमीन पे आ सकते नहीं। ये विचार करके वे धर्म से जरा भी चलित नहीं हुई और इसीलिए अंबर श्रावक खुद उसके घर पे गए और परमात्मा का धर्म लाभ दिया और धर्म प्रत्यय की दृढ़ता की उसकी अनुमोदना की। आखिर में सुलसा श्राविका मर के स्वर्ग में गए और वहां से वो च्यवन होके अगली चौबीसी में निर्ममम नाम के 15वें तीर्थंकर बनेंगे। तो समकित निर्मल होगा तो ज्ञान प्राप्ति होगी, और जब ज्ञान प्राप्ति की हमारी इच्छा बढ़ेगी और हम ज्ञान लेंगे तो ही चारित्र का निर्मल पालन कर पाएंगे, और चारित्र का निर्मल पालन ही मोक्ष का द्वार खोलेगा। इस तरह 12 भावनाएं जो हमने देखी वे हमारे आत्मचिंतन में निमित्त बना और हमारी आत्मा को निर्मल करने में सहयोगी बने। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, धर्म महत्व भावना, लोक स्वभाव भावना और बोधि दुर्लभ भावना, ये 12 भावनाओं का आप नियमित चिंतन करते रहें और अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में घूंटते रहे। इसी अभ्यर्थना के साथ ये ऑडियो सीरीज को समाप्ति के दौर की ओर लेके जाके पुनः आप सभी को याद करवाती हूँ। आप सभी के अनुभव आप हमें शेयर करें, यही विनंती।